सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंकर टैग क्या होता है HTML के अंदर, एंकर टैग का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, एंकर टैग का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कितने तरीके से एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एंकर टैग के बारे में और आप एंकर टैग का यूज़ करना सीख जाओगे HTML के अंदर। दोस्तों ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग सारे HTML में जितने इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको देते हैं जिससे HTML की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं एंकर टैग क्या होता है। और दोस्तों बता दूं कि एंकर टैग के ऊपर ये फर्स्ट पार्ट है, अभी चार पार्ट और आएंगे जिसमें मैं अलग अलग बातें बताऊंगा एंकर टैग से रिलेटेड कि एंकर टैग का कहां कहां यूज हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं एंकर टैग। सो हेलो गाइज, हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने index.html की एक ऊपर फाइल बना रखी है और यहाँ थोड़ी सी कोडिंग कर रखी है। ये कोडिंग वाला पेज है और यहाँ पर जहाँ ट्राइंगल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो, जो आपने कोडिंग करी है उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ एंकर टैग के बारे में, जो कि एंकर टैग किस काम आता है पहले मैं आपको बता दूँ। एंकर टैग के कोई एक दो काम नहीं है, बहुत सारे काम है। पहली बात, एंकर टैग से आप दो पेजों को एक साथ जोड़ सकते हो, मतलब पेज वन प्लस पेज टू, इसको आपस में आप जोड़ सकते हो, ओके। दूसरा, आप यहाँ पे एंकर टैग की मदद से लिंक दे सकते हो अपने HTML वेब पेज में। मान लो आपका कोई YouTube चैनल है, आप उस YouTube चैनल के लिंक आप अपने वेबसाइट के अंदर डालना चाहते हो तो कोडिंग में हम लोग का एंकर टैग मदद करता है। अपनी कोई भी लिंक हो उसको यहाँ पे लिंक जोड़ सकते हो एंकर टैग की मदद से, ओके। चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल की लिंक हो, आपके किसी ब्लॉग की लिंक हो, कोई वेबसाइट की लिंक देना चाहते हो, चाहे गूगल की दे दो, यूट्यूब की दे दो, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, किसी की भी लिंक आप अपने वेब पेज पर डाल सकते हो एंकर टैग की मदद से। तीसरा, एंकर टैग की मदद से आप यहां पे अपना कॉन्टैक्ट लगा सकते हो। मान लीजिए आपको कोई ईमेल आईडी कनेक्ट करनी है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, ऐसे लिखा हुआ है और यहां पे कोई क्लिक करता है, जैसे यहां पे कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट आपके ईमेल पे पहुंच जाए, तो आप इस तरीके से ईमेल को भी कनेक्ट कर सकते हो। और एंकर टैग की मदद से नेविगेशन बार भी तैयार होता है। तो चलिए अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एंकर टैग का क्या यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे एंकर टैग के ऊपर मैं कम से कम चार वीडियो बनाने वाला हूँ। इस पहली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पेज है, इससे दूसरे पेज को कैसे लिंक किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो एंकर टैग काम ही आता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। एंकर मतलब जोड़ना, आपस में उसको दो चीज़ों को आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पेज को दूसरे पेज में कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं दिखा दूँ मेरे पास यहाँ पर कितने पेज हैं। मेरे पास तीन पेज हैं। देखिए, एक index.html ये मेरा पहला पेज है, दूसरा contact.html ये दूसरा है और ये search.html ये तीसरा है। तो मेरे पास यहाँ कुल कितने पेज हुए, यहाँ पे मेरे पास तीन पेज हुए हैं, ओके। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो लास्ट तक देखिएगा, आप समझ जाओगे। अब इन तीनों पेज को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एंकर टैग खोलना होगा। एंकर टैग खोलने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको ए लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना है, एट्रीब्यूट का नाम है href। तो href यहाँ पे जैसे ही आप लिखते हो href, फिर उसके बाद आपको इक्वल का निशान देना है और डबल कोटेशन मार्क देना है। तो जब डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे दोगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है उस पेज का, मतलब यहाँ पे जो पाथ होता है उस पेज की लोकेशन। मान लीजिए मुझे कॉन्टेक्ट html देना है तो contact.html मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो उसके लिए आप देखते जाइए कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है contact.html, सेम टू सेम फॉलो करिए। जब आप इसको रन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। contact.html यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्टेक्ट। अब आप यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ जानना चाहते हो कि मुझे एक बटन टाइप की लगानी है यहाँ पे, जो कॉन्टेक्ट लिख किया है, इस तरीके से कॉन्टेक्ट लिख किया है और जैसे ही कोई क्लिक करे तो वो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब आपको जो भी यहाँ पे वहाँ दिखाना हो वो वहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट आपने लिखा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखने से क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। लिख दिया। अब आपको एंकर टैग क्लोज करना है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक यहाँ पे लिंक आ गई है, यहाँ पे एक बटन टाइप का आ गया जिसको आप टच करोगे तो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो ये मेरा ओपन हो गया कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। मतलब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही किसी ने क्लिक किया कॉन्टेक्ट पे तो इस वाले पेज पे डायरेक्ट इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, मतलब contact.html वाले पेज पे रिडायरेक्ट
हो गया, दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ओपन हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पेज डालते हैं, जैसे जिसका नाम है यहाँ पे आपका search.html, तो उसके लिए भी यहाँ पे एंकर टैग को ओपन किया जाएगा। उसके बाद में एट्रीब्यूट href देना है, देने के बाद में उसका भी लोकेशन देंगे, उसका नाम है search.html। तो यहाँ पे आपको उसका नाम अभी मैं दिखा दूंगा, ये देखिए इसका नाम ये लिखा हुआ है search.html, इसका यहाँ पे ये लोकेशन देनी है। देने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे किस तरीके से ये कनेक्ट करेगा आपस में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल लेटर दीजिए और स्मॉल लेटर है तो स्मॉल दीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे लोकेशन में गड़बड़ कर दोगे, मान लीजिए यहाँ पे एस कैपिटल की बजाय स्मॉल में कर देता तो ये ना आता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल है यहाँ पे, तो आपको भी यहाँ कैपिटल ही रखना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी कोडिंग काम नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे लिख दूंगा सर्च पेज, ओके। तो यहाँ पे वो नाम लिखना है जो आपको वहाँ पे शो कराना है, दिखाता हूँ आपको। अभी आप सब समझ जाओगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे एक br टैग यूज़ कर लेता हूँ। br टैग क्या होता है ये आपको आगे मैं बता दूंगा। br टैग से सिंपली अभी बता दूं कि यहाँ पे ये जैसे अभी साइड में आ रहा था तो ये नीचे आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो पेज हैं, कॉन्टैक्ट अस और सर्च पेज। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सर्च पेज में यहाँ जो लिखा है पेज में से मैं पेज हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सर्च लिख के आता है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाना है वो आपको इस जगह पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सर्च पेज ही लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने सर्च पेज लिख दिया। अब मैं जैसे सर्च पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सर्च पेज ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप दो पेजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब यही चीज़ सेम प्रोसेस मैं आपको इन पेजों में भी करके दिखाना चाहूँगा। तो मैं कॉन्टैक्ट HTML पे चलूँगा और यहाँ पे भी मैं आपको एंकर टैग का यूज़ करके दिखाऊँगा। तो आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट यूज़ करूँगा। तो आपको कोडिंग तो मैंने बता ही दी है, लास्ट में आपको कोडिंग का एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे होम का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट HTML में आपको दो देने होंगे, एक होम का और एक वहाँ पे कहते हैं कि search.html का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों दे लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे इसको इंडेक्स की बजाय सर्च में कर लेता हूँ। अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब सारे पेज कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अच्छी फीलिंग आने वाली है कि यार कितना बढ़िया चीज़ भैया ने बताया है, तो आप भी उसको करोगे। तो यहाँ पे सर्च पेज नाम दे देता हूँ। ऐसे ही हमको तीनों पेज में इस एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो एंकर टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसको अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो आप वेबसाइट में कुछ भी बनाना सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वेबसाइट में मेन काम क्या होता है एंकर टैग का यूज़ होता है नेविगेशन बार बनाने में। तो यहाँ पे भी मैं दे लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एंकर टैग दे दिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे पेज किस तरीके दिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तीन पेज हो गए हैं, पहला कॉन्टैक्ट पेज, दूसरा यहाँ पे होम पेज, तीसरा यहाँ पे सर्च पेज, ओके। तो सबसे पहले अपने होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे कोई अभी हेडिंग नहीं पड़ी तो एक हेडिंग डाल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे होम पेज है हमारा। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए मैं हेडिंग 1 का यूज़ करने जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। होम पेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हेडिंग को क्लोज कर देते हैं जैसा कि सभी टैग क्लोज होते हैं। अब इस पेज को मैं पहले रन करता हूँ और दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा कौन सा पेज है, ये हमारा होम पेज है। अब चलिए चलते हैं कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे। तो वहाँ चलने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही गए तो अब ये हमारा कौन सा पेज है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है। अब यहाँ पे हम लोगों को जाना है सर्च पेज पे, तो सर्च पेज पे जाने के लिए कौन सा पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च पेज वाले पे। अब सर्च पेज वाले पे जैसे ही गए तो अब ये हमारा कौन सा पेज है, ये हमारा सर्च पेज है। अब हमको वापस से होम पे जाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, इस होले होम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से दोस्तों कनेक्ट करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पेज को क्लिक किया मतलब प्लस किया, फिर दूसरे पेज को प्लस किया, फिर तीसरे को। इस तरीके से मैंने तीनों पेज को आपस में कनेक्ट कर दिए, होम पेज को, कॉन्टैक्ट पेज को और सर्च पेज को। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग की मदद से आप किस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कोडिंग दिखा देता हूं जो कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। देखिए लिखा है एंकर टैग, उसके बाद HREF लिखा है, HREF के बाद में स्क्वायर का निशान लिखा है, फिर डबल कोटेशन मार्क में उस लोकेशन दिया है उस पेज का, फिर वो देना है जो आपको वहां पे लिखना है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस या सर्च पेज, और फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।